बहुत दिनों से लोग एमए हिस्ट्री के कटाव का इंतजार कर रहे थे, सो फाइनली आज हम लोग बीएचयू एमए हिस्ट्री का अनऑफिशियल एनालाइज कटाव डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज जान पाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिएगा। उसके बाद भी आपका कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो यू कैन कॉमेंट, अदरवाइज आप मेरे इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो फॉलो के साथ। ठीक है, तो बीएचयू का ये अनऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस है जिसका रेफरेंस है लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ। तो ऐसे में लगभग जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही हैं। ठीक है, और ये कट ऑफ इसलिए आपको बेहद जरूरी है जानना जिससे कि आप अंदाजा लगा सको कि हमें और भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ट्राई करना चाहिए। जैसे पता होता है ना आदमी कितना पानी में है, तो उस तरीके से वो छलांग लगाएगा मुझे कैसे तैर के निकलना है और किस नदी में तैरना है। आज सबसे पहले है जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। इसमें मैं बीएचयू कोटा भी डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एफिलेटेड से लेकर डीएम एफएमसी तक कि सर हम लोग बीएचयू कोटा कैसे यूज करेंगे। एफएमसी में 180 प्लस आप अगर हो आउट ऑफ 300, यानी 300 में आप अगर 180 प्लस हो जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको डीएमसी मिल जाएगा। ध्यान देना, क्या मिल जाएगा? डीएमसी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी हमारे पास एफिलेटेड का तो पूरा ऑप्शन खाली ही है। ओबीसी 165, ईडब्ल्यूएस 170, एससी 160, एसटी 140, ये और भी कम कर सकते हो। ठीक है, ये और भी कम कर सकते हो क्योंकि एसटी का कैंडिडेट डिपेंड करता है कि इस बार कितने एनरोलमेंट आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग का कितना राउंड तक, फर्स्ट प्लस सेकेंड राउंड तक। ठीक है, यानी इस राउंड तक हमारे पास कुछ इस तरीके के मार्क्स आएंगे। आप ये मार्क्स या इससे ज्यादा हो तो आपके एडमिशन के चांसेस 95% से ज्यादा है। यहां पे मैं लिखा हूं कि -20 डाउन, आप इसमें से 20 नंबर घटा दो तो भी आप एफिलेटेड तक, मतलब एफिलेटेड तक एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कि इस नंबर में 20 नंबर माइनस भी कर दोगे तो भी लड़कियों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो एफिलेटेड तक पहुंच जाएंगी। बाकी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा कि आप अभी एडमिशन की पॉसिबिलिटीज किस नंबर तक रख सकते हो। जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर जेएनयू के लिए प्लीज एक बार बता दो कि लगभग हम लोग कितने नंबर पे इतना सोचें कि हमें जेएनयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका जो पेपर है वो 300 मार्क्स का था। जेएनयू की खास बात यह है कि वो पहले भी 300 पे ही कंसिडर करता था एडमिशन, यानी वो आपके 25 एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देता, वो डोमेन को ही एज अपना मेरिट परसेंटाइल काउंट करता था, मार्क्स काउंट करता था। तो ये जेएनयू अभी भी 300 में ही है। तो आप 300 का लगभग 80% अगर पाते हो तो जेएनयू के सपने देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप इस पूरे 300 में कितना 235 मान लो 235 प्लस हो किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आई थिंक आप जेएनयू के लिए थोड़ा सा विचार बना सकते हो। बाकी इससे ज्यादा है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी वीडियो में अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। अभी इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर करो पूरे एफिलेटेड कॉलेजेस में, बाकी अपने दोस्तों में। कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर दीजिएगा। मुस्कुराना बिल्कुल नहीं बोलना है और मेरे वीडियो जरूर देखना है, बेल आइकन को प्रेस करना है क्योंकि पूरे काउंसलिंग तक वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए होने वाला है। हर हर महादेव।